नमस्कार, विश्वविद्यालय के इस ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। आज की इस ऑनलाइन क्लास का जो टॉपिक है वो है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि तुलनात्मक लोक प्रशासन। इसके अंतर्गत हम आज तुलनात्मक लोक प्रशासन की चर्चा करेंगे, इसके अर्थ को जानेंगे, इसकी प्रकृति और क्षेत्र को भी समझेंगे, साथ ही साथ इसका जो महत्व है उसकी भी हम बात करेंगे। तो पाठ्यक्रम की बात की जाए तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है वो आपके स्नातक के प्रथम सेमेस्टर, कोर्स कोड है UGPA 101 एंड ब्लॉक 1 यूनिट 4। इसके पहले यूनिट जो 1 से लेकर के 3 इकाई है उसके वीडियोस ऑलरेडी लेक्चर अपलोड हो चुके हैं पोर्टल पर, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से उन्हें देख सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हैज़ हैड अ लॉन्ग ट्रेडिशंस। जो तुलना करने की प्रवृत्ति है, अगर बहुत पहले की बात की जाए तो जब से मानव सभ्यता यानी मानव स्वभाव में ही तुलना करने की जो प्रवृत्ति है वो पाई जाती है। हम सभी अपने दैनिक जीवन में तुलना करते हैं किसी न किसी से, जैसे क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ज़रूरी है, क्या गैर ज़रूरी है, और क्या हमारे लिए उपयोगी रहेगा। किसी के लिए हम बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। जैसे किसी बच्चे की हम बात करें तो कहते हैं ये पढ़ने में काफ़ी होशियार है। तो इस एक वाक्य में कहीं ना कहीं एक प्रश्न छुपा रहता है, किसकी तुलना में। तो कहीं ना कहीं हम कंपैरिजन करते हैं और उसकी विशेषताओं को बताते हैं। इसी प्रकार तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत जो विश्व में विभिन्न देश हैं, दो या दो से अधिक देशों की तुलना, उनके लोक प्रशासन की तुलना की जाती है और उन देशों के जो प्रशासनिक विशेषताएं हैं उनको समझा जाता है। चूँकि अलग अलग देशों की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थितियों में अंतर होता है, इस वजह से उनके जो प्रशासनिक स्थितियां हैं, जो प्रशासन है, उसमें भी अंतर होता है। तो प्रशासनिक विशेषताओं में भी अंतर पाया जाता है। तो इस वजह से तुलनात्मक लोक प्रशासन का महत्व बढ़ जाता है। और तुलनात्मक लोक प्रशासन एक नया डिसिप्लिन है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत इसको एक सब डिसिप्लिन माना जाता है, एक उप विषय के रूप में जाना जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी ये जल्दी इसकी शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं 1887 में जब एक स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेख प्रकाशित हुआ था वुड्रो विल्सन का, तो उन्होंने अपने लेख में तुलनात्मक पद्धति पर जोर देने को कहा था। लेकिन उस समय जो तुलनात्मक प्रशासन की बात वुड्रो विल्सन ने की थी वो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ यूरोपीय देशों से कंपैरिजन की बात की गई थी उसमें, क्योंकि उस समय जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका कोई इमरजेंस नहीं हुआ था, विकासशील देशों का उदय नहीं हुआ था, जिस वजह से तुलनात्मक लोक प्रशासन का महत्व उतना उस समय नहीं था। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो न्यू डेवलपिंग कंट्रीज़ का इमरजेंस हुआ है, तो ये पाया गया कि जो विकासशील देश हैं उनकी जो परिस्थितियां हैं, उनका जो परिवेश है, उनका जो वातावरण है, वो कहीं ना कहीं विकसित देशों से भिन्न है, उनका प्रशासन भी अलग होता है। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन पर जोर दिया गया और इसको आगे बढ़ाया है फ्रेडरिक्स ने। फ्रेडरिक्स को कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में फ्रेडरिक्स को जाना जाता है। अभी आगे हम उनके बारे में और विस्तार से भी बात करेंगे। साधारण अर्थों में अगर बात की जाए तो तुलनात्मक लोक प्रशासन विभिन्न देशों में जो प्रशासनिक उनकी व्यवस्था होती है उसका तुलनात्मक अध्ययन होता है, उसी को हम तुलनात्मक लोक प्रशासन कहते हैं। और डिटेल में देख लेते हैं। CPA refers to a comparative studies of government administrative system functioning in different countries belonging to different cultural and geographical setting and different periods। और इसमें कल्चरल सेटिंग्स, सभी की कल्चरल सेटिंग्स अलग अलग होती हैं, कल्चर अलग अलग देशों में अलग अलग कल्चर भी पाया जाता है। कल्चर की बात करें तो कल्चर को बहुत क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है। एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि जो सोशलिस्ट कंट्री हैं और जो कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, इन दोनों का कल्चर डिफरेंट होता है। अगर इनके दोनों के बीच में अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन की कंपैरेटिव स्टडी हो रही है तो वो क्रॉस कल्चरल स्टडी मानी जाएगी। तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो स्टडीज़ होती हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो क्रॉस नेशनल हो, अभी जब इसको हम इसके स्कोप को पढ़ेंगे तब उसकी डिटेल में बात करेंगे, वो सब तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत आती है। कंपैरेटिव स्टडीज ऑल्सो हेल्प इन एक्सप्लेनिंग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस नेशनल एंड क्रॉस कल्चरल सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। न केवल सिमिलैरिटीज अलग अलग देशों की बल्कि डिफरेंसेज को भी हम कंपैरेटिव स्टडी के माध्यम से ही जान पाते हैं।
अगर और सामान्य शब्दों में बात की जाए तो तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत कोई भी अगर अध्ययन कर रहा है तो वो ये जानने का प्रयास करता है कि वहाँ की प्रशासनिक विशेषताएं जो हैं, जो उपलब्धियां हैं उस देश की, जैसे कि कोई योजना किस प्रकार, कोई विशेष योजना किस प्रकार उस देश में लागू की गई, उससे लोग कितना लाभान्वित हुए और क्या वो योजना और उसका जो लागू करने का ढंग है हमारे देश के लिए उपयोगी है। अगर उपयोगी है तो उसे स्वीकार किया जा सकता है, अगर उपयोगी नहीं है तो उसे अस्वीकार किया जा सकता है। तो ये तुलनात्मक लोक प्रशासन का एक अच्छा फैक्ट है, इससे हमें तुलनात्मक लोक प्रशासन अध्ययन से लाभ होता है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति। जैसे अभी हमने शुरुआत में फ्रेडरिक्स की बात की, तो फ्रेडरिक्स ने एक बहुत ही उनका फेमस आर्टिकल था 1962 में, जिसका टाइटल था ट्रेंड्स इन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस अपने लेख में फ्रेडरिक्स ने ऑब्जर्व किया कि तुलनात्मक लोक प्रशासन में तीन इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स देखे जा सकते हैं, तीन प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। फर्स्ट है नॉर्मेटिव टू इम्पिरिकल, एंड नेक्स्ट इडियोग्राफिक टू नोमोथेटिक, और थर्ड है नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल। अब नॉर्मेटिव टू इम्पिरिकल, इसके अंतर्गत किस तरीके की स्टडीज, कौन सा ट्रेंड बताया गया, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि नॉर्मेटिव में वो जो आदर्शवाद पर आधारित, जैसे कि ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो परंपरागत लोक प्रशासन है, वो नॉर्म्स पर बेस्ड था, आदर्शों पर आधारित था। उस समय जो सिद्धांत थे कि ऐसे बनाए गए कि जैसे हायरार्की है, यूनिटी ऑफ कमांड है, जो लोक प्रशासन के अंतर्गत सिद्धांत हम पढ़ते हैं, तो ये आदर्श पर आधारित थे, यानी क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, ना कि क्या हो रहा है। तो ये क्या होना चाहिए से इसको लाया गया, उसकी बात की गई कि क्या है। तो ये ट्रेंड्स फ्रेडरिक्स ने देखा और इसको बताया। दूसरा है इडियोग्राफिक टू नोमोथेटिक। इडियोग्राफिक में जब हम किसी विशेष घटना, विशेष परिस्थिति या कोई एक पर्टिकुलर किसी एक ही चीज़ पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो वो इडियोग्राफिक स्टडी हो जाएगी। तो इडियोग्राफिक से नोमोथेटिक, यानी विशिष्टता से सामान्य परकता की ओर। दूसरा ट्रेंड बताया कि सिर्फ एक ही चीज़ को न देखा जाए, बल्कि और भी जो बातें हैं उनका भी ध्यान, और भी जो बातें हैं, संस्थाएं हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, सिर्फ एक ही विशेष घटना का अध्ययन न करके अन्य बातों को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि जनरलाइजेशन किया जा सके और सिद्धांत विकसित किए जा सके। नेक्स्ट है नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल, यानी गैर पारिस्थितिकी से पारिस्थितिकी ओर। तो इनका जो लास्ट वाला ट्रेंड है, पारिस्थितिकी, आप इस शब्द से परिचित होंगे, परिवेश, इसका अर्थ होता है पर्यावरण या परिवेश। किसी भी देश में जो लोक प्रशासन होता है वो कहीं ना कहीं उस देश के परिवेश से प्रभावित होता है, और सिर्फ वो परिवेश से प्रभावित ही नहीं होता है, लोक प्रशासन भी वहाँ के परिवेश को प्रभावित करता है। तो जो नॉन इकोलॉजिकल स्टडीज, जो पहले इकोलॉजी को ध्यान नहीं दिया जा रहा था, इस तरीके की स्टडीज हो रही थी ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो जब हम कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो जिस देश की हम स्टडी करेंगे, जिन देशों को हम शामिल करेंगे, उसको हम वहाँ के परिवेश को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इन चीज़ों से प्रशासन प्रभावित होता है और प्रशासन से वहाँ का परिवेश भी प्रभावित होता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट ट्रेंड फ्रेडरिक्स ने बताए कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अब है स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। द स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एज लार्ज एज दैट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज सच। अब स्कोप की बात, स्कोप यानी कि क्षेत्र। अब यहाँ पर एक प्रश्न, इसके एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं, मतलब क्षेत्र का अर्थ है किसकी तुलना करें, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तुलना की जाए तो किसकी तुलना की जाए, ये जानने का प्रयास किया जाता है। कुछ यहाँ पर पॉइंट्स में मैंने एनालिसिस, कैसे एनालिसिस स्टडी का कर सकते हैं, उसको मैंने नोट किया है। जैसे अ फ्यू टाइप्स ऑफ स्टडीज इन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच वुड एक्सप्लेन इन इट्स स्कोप आर एज अंडर। किस तरीके की स्टडीज कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में की जा सकती हैं, तो जैसे फर्स्ट वन है क्रॉस इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस। क्रॉस इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस का मतलब होता है कि जो इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने देश में, भारत में कोई स्टडी करते, कोई तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल स्टडी कर सकते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इन दोनों के बीच कोई कंपैरेटिव स्टडी की जा रही है, तो ऐसी स्टडी क्रॉस इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस के अंतर्गत
मानी जाएगी। दूसरा है इंटरनेशनल एंड क्रॉस नेशनल। इंटरनेशनल का अंतर्गत, इंटरनेशनल का अर्थ होता है कि एक देश के ही, एक राष्ट्र के ही भीतर जो स्टडी, यानी अगर हम यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन की कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो एक क्रॉस नेशनल स्टडी मानी जाएगी। बट इंट्रा कल्चरल, क्रॉस नेशनल एंड क्रॉस, इंटरनेशनल एंड क्रॉस नेशनल। अब एक तो इंटरनेशनल हो गया, एक देश के ही भीतर एक पर्टिकुलर, एक क्षेत्र की स्टडी दूसरे क्षेत्र की स्टडी, दोनों से कंपैरिजन हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का। दूसरा क्रॉस नेशनल है जब हम अलग अलग देशों, जैसे इसमें एक देश की दूसरे देश की प्रशासनिक व्यवस्था से तुलना की जा रही है। सपोज दैट भारत के प्रशासन की तुलना हम किसी दूसरे देश के प्रशासन से करते हैं, तो वो कंपैरेटिव स्टडी मानी जाएगी क्रॉस नेशनल। और अगर हम यूपी की तुलना, यूपी के प्रशासन की तुलना पंजाब के प्रशासन से कर रहे हैं, तो वो इंटरनेशनल स्टडी मानी जाएगी। नेक्स्ट है क्रॉस नेशनल बट इंट्राकल्चरल। अब यहाँ पे हमने देखा था क्रॉस नेशनल की बात, जो कई अलग अलग देशों की स्टडी की जा सकती है। अब ये क्रॉस नेशनल यहाँ पर तो हमने समझ लिया था, बट वो क्रॉस नेशनल तो स्टडी है बट इंट्रा कल्चरल भी है, यानी ऐसे देशों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है जिनका कल्चर एक जैसा है, जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच कोई वो प्रशासनिक अध्ययन किया जा रहा है, प्रशासनिक जो मशीनरी है बांग्लादेश की या भारत की, तो वो इंट्रा क्रॉस कल्चरल भी हो, क्रॉस नेशनल और इंट्रा कल्चरल। मतलब क्रॉस नेशनल तो वो होगी, भारत और बांग्लादेश के बीच कोई स्टडी कर रहे हैं तो क्रॉस नेशनल होगी बट इंट्रा कल्चरल होगी। फिर है क्रॉस नेशनल एंड क्रॉस कल्चरल। अब यहाँ पे इंट्रा कल्चरल की बात थी, यहाँ क्रॉस कल्चरल हो गया। क्रॉस नेशनल तो है, अलग अलग देशों की स्टडी हो रही, तो यहाँ पे जहाँ कुछ देशों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है लेकिन उनका कल्चर सेम नहीं है। जैसे कि एक कैपिटलिस्ट, अभी मैंने बताया भी था एग्जांपल, एक कैपिटलिस्ट कंट्री है जैसे कि अमेरिका हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरा सोशलिस्ट है। इनके जब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस की स्टडी की जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की, तो ये इस वाले में आएगी क्रॉस नेशनल, क्रॉस नेशनल एंड क्रॉस कल्चरल। क्रॉस नेशनल भी है और क्रॉस कल्चरल भी है। लास्ट है क्रॉस टेम्पोरल स्टडीज। टेम्पोरल स्टडीज ये किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड से संबंधित होती हैं, ये क्रॉस नेशनल भी हो सकती हैं, क्रॉस कल्चरल भी हो सकती हैं, और जितने भी टाइप्स हमने अभी डिस्कस किए, क्रॉस इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस भी हो सकता है, इंटरनेशनल एंड क्रॉस नेशनल, सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। बस इसमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, जैसे कि मुगल को एडमिनिस्ट्रेशन को हम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन से कंपेयर करें, या प्री इंडिपेंडेंस, हमारे देश में जो प्री इंडिपेंडेंस का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम में उसकी स्टडी करें, तो ये दोनों स्टडी क्रॉस टेम्पोरल स्टडीज मानी जाएंगी। नेक्स्ट हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सिग्निफिकेंस, तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्या महत्व है, इसको कुछ पॉइंट्स में हम वन बाय वन करके समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है साइंटिफिक स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। रॉबर्ट डेल का आपने नाम सुना होगा और आपको उनका एक फेमस स्टेटमेंट याद आ रहा होगा। उन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध कथन दिया था जो कि इस प्रकार है कि जब तक लोक प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन नहीं होगा तब तक उसे विज्ञान बनाने का दावा खोखला साबित होगा। यानी थिंकर्स थे, जो विचारक थे, वो लोक प्रशासन को विज्ञान बनाने के लिए उसके सिद्धांत विकसित कर रहे थे, विज्ञान बनाने पे जोर दे रहे थे। तो रॉबर्ट डेल कहते हैं 1950 से पहले, 1947 में उनकी बुक आई थी, उसमें उन्होंने कहा है कि इसको अगर वैज्ञानिक बनाना है तो तुलनात्मक यानी कंपैरेटिव स्टडी पर फोकस करना होगा। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन का महत्व यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की साइंटिफिक स्टडी संभव है। इंटरडिसिप्लिनरी ओरिएंटेशन, आपको याद होगा जब हमारा पहला जो पहली इकाई हम लोगों ने डिस्कस की थी, पहला वाला लेक्चर है आप देखेंगे, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा कोई इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट नहीं है, सभी विषयों को इसने समाहित कर लिया है। कोई भी विषय हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसको समाहित कर लेता है, तो अन्य कई विषयों के विचारक जो हैं उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में योगदान दिया है। बहुत से प्रसिद्ध नाम आपको मिल जाएंगे, मैक्स वेबर सोशियोलॉजी से आए हैं, पॉलिटिकल साइंस के काफ़ी विचारक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उनका कंट्रीब्यूशन है। इंटरडिसिप्लिनरी ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट।
और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बेसिक डिफरेंस इसमें है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों का विकास तभी संभव है जब तुलनात्मक लोक प्रशासन होगा। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन से प्रशासनिक विकास और विकास प्रशासन को भी बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है मोर रैशनल यूज ऑफ फॉरेन असिस्टेंस। जो फॉरेन असिस्टेंस मिलता है डेवलपिंग कंट्रीज को, अगर तुलनात्मक लोक प्रशासन की बात होगी तो कहीं ना कहीं जो हमें एड मिल रहा है, हमारे देश को फॉरेन एड मिल रहा है, उसका रैशनल यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, तुलनात्मक स्टडी होगी, जैसे किसी दूसरे देश के प्रशासन की विशेषताएं हम जान पाएंगे, अगर हमारे देश के लिए वो उपयोगी हैं तो उनको हम अपने यहाँ भी एप्लीकेबल अप्लाई करेंगे। जब हमारे यहाँ वो एप्लीकेबल होंगी तो कहीं ना कहीं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यानी हम प्रशासन में अपने सुधार करेंगे, हमें ऐसा लगेगा कि दूसरे देश में प्रशासन की ये विशेषता है जिससे कि वहाँ पे सुधार हुआ है, तो हमें भी अपने प्रशासन में सुधार करना आवश्यक है होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात होगी। लास्ट है रिस्पॉन्सिवनेस, तुलनात्मक लोक प्रशासन की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पॉन्सिव बनाने में मदद मिलेगी। तो ये था आज का लेक्चर। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने तुलनात्मक लोक प्रशासन का अर्थ जाना, इसकी प्रकृति क्षेत्र और इसके महत्व की भी चर्चा की। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम इसी का पार्ट 2, अब क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है तो एक ही लेक्चर में कवर कर पाना मुश्किल था, तो इसका दूसरा पार्ट उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके मॉडल्स, मॉडल्स ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे। थैंक यू।